नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे इंद्रासन, जो कि बाकेलाल की कॉमिक्स है। और इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। पलभर में ही भंवर सूखता चला गया। मैं जल के बिना जीवित नहीं रह सकता। उफ, मेरा हाथ छूट गया। भंवर अचानक आई उस आंधी से सूख गया। राक्षस के हाथ से छूटते ही सिंहासन वापस स्वर्ग की ओर जा रहा है। मगर वो आंधी किसने चलाई? अरे, ये तो वही मानो राजा विक्रम सिंह है। इसका मतलब आंधी लेकर विक्रम सिंह ही आया था। एक बार फिर इसने इंद्रासन की रक्षा की है, मगर खुद इसके प्राण संकट में पड़े हैं। मैं बादलों की टुकड़ी पर उसे बचाता हूँ। शीघ्र ही वत्स विक्रम सिंह, तुमने तीसरी बार इंद्रासन की रक्षा की है। हम तुम पर तीसरी बार प्रसन्न हुए हैं। राजा विक्रम सिंह, ये लो, ये है वज्र। हम कुछ दिनों के लिए इसे भी तुम्हें भेंट में देते हैं। मैं धन्य हो गया। शीघ्र ही, अरे, महाराज स्वयं ही लौट आए। महाराज बादलों बादल पर खड़े हैं। मुझे देवराज इंद्र का वज्र मिल गया। ये क्या, मैं तो सोच रहा था कि मोटा आंधे में उड़ गया होगा, पर ये वापस लौट आया और इंद्र का वज्र भी ले आया। बाकेलाल भी आ गया। बाकेलाल, तुम धूल में क्यों सने हो? समझ गया, वो आंधी तुमने ही चलाई होगी, क्योंकि तुम्हें देवराज इंद्र पर मंडराते उस तीसरे संकट का भी पता चल गया था। जी हाँ महाराज, सत्यानाश, बेड़ा गर्क। इधर बाकेलाल अपना सिर पीट रहा था, उधर मच्छासुर का शव गिरते देख रहा था राक्षस धड़केतु। मच्छासुर भी मारा गया और दूसरा कोई देवता भी प्रसन्न नहीं हो रहा। आलतू फालतू गोचर भी समाप्त होने वाला है। कब से समोसे खिला रहा हूँ? खिला तो रहा है, पर चटनी के बिना। समोसे के साथ या तो चटनी होती है या मसाले वाले छोले। तूने कुछ भी नहीं खिलाया। धड़केतु को अपनी भूल का एहसास तुरंत ही हो गया और वो चटनी ले आया। मैं पुदीने की चटनी ले आया। इमली वाली केले की चटनी क्यों नहीं लाया? वो भी ले आता हूँ, पर तुम ये तो बताओ कि तुम किस चीज़ के देवता हो? इस प्रश्न का उत्तर तो मैं तुम्हें इमली वाली केले और अंगूर वाली चटनी खाने के बाद ही दूंगा। और हाँ, अगले समोसे में मटर पनीर और किशमिश भी डलवा लइयो। धड़केतु को देवता की मांग के अनुसार सभी वस्तुओं का इंतजाम करना ही पड़ा। तब वाह, समोसे खाकर आनंद आ गया। बस, मैं तुम पर प्रसन्न हो गया। मैं बताऊं देवता हूँ जो हर बात बता सकता है। मैं तुझे बता सकता हूँ कि तू इंद्रासन क्यों प्राप्त करना चाहता है। क्यों? क्योंकि तू इंद्रासन पर कब्जा करके तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करना चाहता है। हाँ, ये बात तो सही है। मैं तुझे ये भी बता सकता हूँ कि इंद्रासन प्राप्त करने का उपाय इस वक्त पृथ्वी पर मौजूद है। क्या, पृथ्वी पर? हाँ, राजा विक्रम सिंह के पास इंद्र का ऐरावत, कामधेनु गाय और वज्र मौजूद है। तेरी सारी योजनाएं भी विक्रम सिंह के कारण ही असफल हुई है। राक्षस धड़केतु, अगर तू राजा से वो तीनों वस्तुएं प्राप्त कर ले तो तू इंद्र को इंद्रासन देने पर विवश कर सकता है। ओह, ये बात तो मैं राजा को मारकर कल प्रातः ही प्राप्त कर दूंगा। ओह, धड़केतु, मुच्छर से एरावत कामधेनु। ओह, धड़केतु, मुच्छर से एरावत कामधेनु और वज्र छीन कर इंद्रासन हथियाने के चक्कर में है, और मैं चक्कर में हूँ विशालगढ़ का राज सिंहासन हथियाने के। बाकी कोई नई योजना सोच रहा था। अभी आलतू फालतू गोचर खत्म होने में 1 घंटा शेष बचा था। नकली देवता को प्रसन्न करने के लिए मैंने कई नकली चीजों की आहुतियाँ देवताओं को अर्पित की है। हे देवता, समय कम है, शीघ्र ही प्रसन्न हो। तुमने बिल्कुल ठीक सोचा बाकेलाल, प्रत्येक असली वस्तु की प्रत्येक नकली वस्तु होती है, और मैं उसी का देवता हूँ। मुझे आज जिंदगी में प्रथम बार तूने ही स्मरण किया है। तेरी इच्छा मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। मुझे कोई ऐसी चीज दो जिसे मैं कोई भी नकली चीज बना लूं।
ठीक है, ये लो जादुई छड़ी, इससे तू किसी भी असली वस्तु या प्राणी को प्राणी की नकल बना सकेगा, किंतु ये छड़ी मानव पर प्रभावी नहीं होगी। वाह, काम बन गया। नकली देवता के अंतर्धान होते ही, चल बेटा बाकेलाल, अब इस जादुई छड़ी से मैं तैयार करूंगा नकली ऐरावत, नकली कामधेनु और नकली वज्र। उसके बाद नकली को असली से बदल कर मैं ऐसी योजना बनाऊंगा कि मुच्छर बचकर नहीं पाएगा। उसके बाद नकली को असली से बदल कर मैं ऐसी योजना बनाऊंगा कि मुच्छर बच नहीं पाएगा। बाके गस्साला पहुंचा, सबसे पहले मैं बनाऊंगा नकली एरावत। चल मेरी छड़ी, बना दे इस हाथी को नकली एरावत। हाथी सफेद हो गया, एरावत भी सफेद ही है। अब मैं असली एरावत को हाथियों के झुंड के पीछे सबसे पीछे ले जाकर बांध देता हूँ, ताकि आसानी से किसी की भी निगाहें इस पर ना पड़े। बाके एरावत को बांध कर वापस लौटा। अब मेरे इस नकली एरावत को ही असली समझा जाएगा। जब मुच्छड़ इसकी सवारी करने निकलेगा तो धड़केतु एरावत छीनने के लिए उस पर आक्रमण करेगा। असली एरावत तो मुच्छड़ को बचा लेता, मगर नकली एरावत नहीं बचा पाएगा। मुच्छड़ इंद्र के वज्र का प्रयोग धड़केतु पर अवश्य करेगा, पर उसके हाथ में असली वज्र होगा ही नहीं। इस प्रकार विक्रम से की मृत्यु धड़केतु के हाथों तो निश्चित है। तब असली वज्र के साथ असली एरावत पर सवार होकर मैं वहां पहुंच जाऊंगा और कर दूंगा धड़केतु का काम तमाम। इस प्रकार कल मेरा राजा बनना निश्चित है, पर अब मुझे जल्दी से महाराज के कक्ष में पहुंचकर नकली वज्र पैदा करके उनके सिरहाने रख देना होगा। और फिर अगले दिन जब राजा विक्रम सिंह एरावत पर सवार होकर भ्रमण पर निकले, राजा एरावत पर सवार होकर आ रहा है। कामधेनु गाय भी उसके साथ है और वज्र भी उसके हाथ में है। यही वो अवसर है, उसके एरावत हथियाने के लिए मुझे थोड़ा छल से काम लेना पड़ेगा। इसलिए मैं कोढ़ी मानों में बदल जाता हूँ जल्दी। महाराज ठहरिए महाराज, रुकिए, कौन हो तुम? महाराज, मैं एक गरीब कोढ़ी हूँ। मैं और मेरे भाई कई वर्षों से इस रोग से ग्रस्त हैं। वैद्य ने इस रोग का उपचार सफेद हाथी की सवारी बताया है। मैंने जैसे सुना आपके पास सफेद हाथी है, तो मैं अपने भाइयों सहित यहाँ चला आया। कृपया कर मुझे सफेद हाथी की सवारी करने दें। मगर तुम्हारे भाई कहाँ है? उन्हें भी तो बुलाओ। मेरे भाइयों को ये यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप हमें सफेद हाथी की सवारी करने देंगे, इसलिए वो अभी आपके सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन जैसे मैं हाथी पर बैठूंगा, वो भी सामने आ जाएंगे। मैं तो प्रजा के सुख दुख का पूरा ध्यान रखता हूँ। अगर ऐसी बात है तो लो, मैं नीचे उतर जाता हूँ। आप तो बड़े दयालु हैं महाराज। लो, अब तुम एरावत पर सवारी करके रोग मुक्त हो जाओ। आप कृपालु हैं महाराज। वो देखिए महाराज, मेरे भाई भी आ गए हैं। राक्षसों की सेना, धोखा, दुष्ट, कौन है तू? मैं हूँ राक्षस धड़केतु। तुझसे एरावत, कामधेनु और इंद्र का वज्र छीनने की ये चाल थी। अब मैं अंकुश की चोट से हाथी को क्रोधित करता हूँ। धक्का, आ! धड़केतु ने फंदा फेंका और वज्र को उसमें फंसा कर ऊपर खींच दिया। आ गया इंद्र का वज्र भी मेरे पास। सर, नहीं, फंस गई कामधेनु गाय भी मेरे फंदे में। अब मैं प्राप्त करूंगा इंद्रासन, क्योंकि एरावत की ये विशेषता है कि इस पर सवार होने वाला हमेशा विजयी बनता है। सेनापति, इन दुष्टों का मुकाबला करो। सैनिकों, आगे बढ़ो। तुम पर महाशक्तिशाली वज्र का प्रयोग करके मैं इसकी शक्ति की तौहीन नहीं करना चाहता। तुम्हारे लिए तो जबड़ा सुर ही काफी है। मुझे देखते ही शत्रुओं के जबड़े उनके मुंह का साथ छोड़ देते हैं। अरे मेरी बत्तीसी, मेरे दांत, मैं पोपला हो गया। अब ये जबड़े मेरा हथियार बनेंगे और तुम्हारी काटी काटी काटेंगे। आ, इसने तो मेरी काटी काटी कर ली, इसने मेरी नाक काट ली।
तीर के तू जल्दी से तीर चलाओ और देवराज इंद्र को फिरौती का पत्र भेजो। जो आ गया धड़केतु। तीर केतु ने स्वर्ग की ओर तीर छोड़ा। तीर सीधे इंद्र के दरबार में पहुंचा। ओह ये क्या, राक्षस धड़केतु के पत्र ने देवराज इंद्र को भी होश उड़ा दिए। आलतू फालतू गोचर में राक्षसों की शक्तियां बढ़ जाती है, अब क्या होगा। दुष्ट केतु ने एरावत कामधेनु और वज्र सेना पर अपना अधिकार कर लिया है, जिनके बल पर वो इंद्र पर भी वो जिनके बल पर वो स्वर्ग पर भी हमला बोलकर इंद्रासन प्राप्त कर सकता है। तो क्या मुझे इंद्रासन धड़केतु को देना होगा। नारायण नारायण, इतने अधीर ना बनो देवेंद्र, पहले पृथ्वी पर झांक कर वास्तविकता तो मालूम कर लो। आप ठीक कहते हैं नारद मुनि। पृथ्वी पर अपने सैनिकों की हालत से क्रोधित होकर विक्रम सिंह चीख पड़ा। एरावत, देवराज इंद्र ने तुम्हें मुझे भेंट में दिया है, इस दुष्ट को अपने पीठ से नीचे गिरा दो। ये अपने सवार का आदेश मानेगा राजा विक्रम सिंह, तो फिर मैं इसे भी मजा चखा दूंगा। अगर ये हाथी है तो मैं भी कम नहीं। अरे ये क्या, नहीं ये नहीं हो सकता, क्योंकि एक मानव एरावत की शक्ति से नहीं जीत सकता। दुष्ट, तुझे इंद्रासन नहीं मृत्यु मिलेगी। धड़केतु पुनः उछलकर एरावत की पीठ पर जा पहुंचा। राजा विक्रम सिंह, तूने पहले भी इंद्रासन प्राप्त करने की मेरी चेष्टा को विफल किया है, अब एरावत मेरे कहने पर तुझे कुचल डालेगा। एरावत, पहले इसे सूंड मार और फिर अपने पांव तले कुचल डाल। अरे कंबख्त, तू मुझे सूंड क्यों मार रहा है। तड़ाक। क्योंकि मैं नकली देवता के वरदान से बना नकली एरावत हूं, मैं अपने मालिक के आदेश के विपरीत चलता हूँ, यानी तू जो कहेगा उसका उल्टा करूंगा। धड़केतु को गिराने के लिए हाथी ने अपनी गर्दन को बुरी तरह से हिलाया। अबे उतर नीचे, क्योंकि तूने मुझे विक्रम सिंह को कुचलने को कहा है, जबकि मैं उल्टा करता हूँ, मैं तुझे कुचलूंगा। अबे ओ हाथी, गिराएगा क्या। धड़केतु पुनः उछलकर एरावत के पीठ पर जा पहुंचा। राजा विक्रम सिंह, तूने पहले भी इंद्रासन प्राप्त करने की मेरी चेष्टाओं को विफल किया है, अब एरावत मेरे कहने पर तुझे कुचल डालेंगे। एरावत, पहले इसे सूंड मार और फिर पांव तले कुचल डाल। तो गिराए बिना कुचलूंगा कैसे। देखा मेरा कमाल, अब मैं तुझे कुचलूंगा। अरे दुष्ट, ये क्या करता है, मैंने तुझे विक्रम सिंह को कुचलने को कहा है, कम से कम उसे एक सूंड तो मार। देखा दुष्ट राक्षस, तड़ाक। आ मैं समझ गया, इस कमबख्त का जो बात जो बोलो ये उसका उल्टा करता है, अब मैं इसे ऐसा आदेश दूंगा कि उल्टा करेगा तो उससे मेरा ही फायदा होगा। एरावत मुझे मार। जो आ गया राक्षस धड़केतु। ये तो अभी भी मुझे ही मार रहा है, मैं तुम्हें कामधेनु के सींगों से मरवाऊंगा मोटे कंबख्त। मैं तुझे कामधेनु के सींग मरवाऊंगा मोटे कामधेनु, इसे सींग मार। अरे ये तो सुन ही नहीं रही, सिर्फ घास चरे जा रही है। गज पहाड़, इसे उठाकर फेंक दो। अब इस मोटे हाथी को भी उठाकर फेंक, क्योंकि मुझे अतिशीघ्र इंद्रासन प्राप्त करना है और ये मेरे कार्य में विलंब पैदा कर रहा है। सेनापति बाकेलाल को बुलाओ जल्दी, चाहे लाल को बुलाओ या पीले को, अब मैं तुम और तुम्हारी सेना नहीं बचेगी, मैं इंद्र के वज्र से उसे खत्म कर दूंगा। धाड़। मेरा प्यारा बाकेलाल आ गया। और ये क्या, दूसरा इरावत तुम्हारे पास कहाँ से आ गया। बाकेलाल सिर्फ इरावत ही नहीं है महाराज, बल्कि कामधेनु और इंद्र का वज्र भी है। राक्षस धड़केतु के पास देवराज इंद्र की जो शक्तियां हैं वो नकली है, जिन्हें मैंने नकली देवता से प्राप्त किया था। नहीं ये झूठ है, अगर ये झूठ है तो तेरे हाथ में जो वज्र है उसे घास काटकर ही दिखा दे, इससे घास नहीं कट रही है। हाँ क्योंकि असली वज्र मेरे पास है, असली एरावत और असली कामधेनु भी। एरावत इसे सूंड मार। तड़ाक। आ गज पहाड़, इसे भी पछाड़ दे।
गज पहाड़ को एरावत पछाड़ेगा। धार कामधेनु राक्षस सेना की सींगों का स्वाद तो चखाना। कामधेनु राक्षस सेना की को सींगों का स्वाद तो चखाना। बा मेरे पास इंद्र का वज्र है, ये नकली नहीं हो सकता। साय देखा धड़केतु, मुझसे टकराते ही तेरा फेंका वज्र मूली का बन गया। नहीं अब देख असली वज्र का कमाल। नहीं मुझे क्षमा कर दो, मैं 7 जन्मों तक भी विशालगढ़ में कदम नहीं रखूंगा। किंतु वज्र तो चल चुका था, सिर कटने के बाद अब ये अपने नाम के अनुरूप यानी धड़केतु रह जाएगा। आ महाराज, मैंने राक्षसों की सेना को खदेड़ दिया है। तुमने नहीं सेनापति, कामधेनु गाय ने। तभी अरे देवराज इंद्र, आप यहाँ कैसे? मैंने वास्तविकता का पता लगाने के लिए जब पृथ्वी पर झांका तो मैंने देखा कि असली एरावत कामधेनु और वज्र तो बाकेलाल के पास है। ये देखते ही मैं सब कुछ समझ गया। किंतु मैं सीधा बाकेलाल के पास पहुंचा। फिर मैं सीधा बाकेलाल के पास पहुंचा और उसे आपकी मदद करने का आदेश दिया। लाओ बाकेलाल, वज्र वापस करो। ओह तो ये बात है। हाँ और देवराज इंद्र का कहा मानकर मैं अब मदद को ना आता तो वो मुझे श्राप देने दे देते या जलाकर भस्म कर देते। हाय फूटी किस्मत वत्स, तुमने बाकेलाल के साथ मिलकर इंद्रासन पर आए संकट से मेरी कदम कदम पर सहायता की है, जिसका फल भी तुम्हें समय समय पर देता रहता है। जिसका फल भी मैं तुम्हें समय समय पर देता रहता हूँ। भविष्य में विशालगढ़ पर खूब बारिश करूंगा, इससे यहाँ खूब अन्न उपजेगा और किसी चीज की कमी ना रहेगी। अच्छा तो वत्सो, हुन अप्पा चल दे हंगेया। और फिर बाकेलाल, देवपुच्ची, वेडागर, सत्यानाश, काश मैंने वे वस्तुएं ना बदली होती। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहाँ इस वीडियो की ज़रूरत हो वहाँ इसको शेयर ज़रूर कर देना, और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप टेन पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे एक और नए कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय।